इस बार तो यार सच में सस्ते अवेंजर ही उतार दिए। कैप्टन अमेरिका क्या लग रहा था इसमें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किक एस पार्ट टू मूवी के बारे में। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट मूवी जो थी उसका रिव्यू कर दिया, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आई बेल पे आ रहे लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और देखो, वीडियो में आगे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि इसके अंदर फर्स्ट मूवी का स्पॉइलर हो सकता है, तो देखो यार अपने रिस्क पे देखना। तो कहानी इसकी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर फर्स्ट मूवी जो एंड हुई होती है, जहां पर फ्रैंक डी अमीको जो एक बड़ा गैंगस्टर था उसको मारने के बाद उसका बेटा क्रिस डी अमीको वहां पर बच जाता है। वो इस सेकेंड मूवी के अंदर विलन का किरदार निभाता है और अपना हीरो डेव जो फर्स्ट मूवी के अंदर बहुत ज्यादा डम दिखाया गया लेकिन इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट दिखाया गया। लेकिन एक सैड बात यह है कि यार इसके अंदर इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चली जाती है। खैर इसको मिल भी जाती है बट उसका क्या होता है वो हमें पता नहीं चलता। मेंडी अब बड़ी हो चुकी है और उसके जो गार्जियन है, जो उसके पिता की मौत भी हो जाती है फर्स्ट मूवी के अंदर, लेकिन अब इस मूवी में जो उसके पिता के दोस्त हैं वो मेंडी का ख्याल रखते हैं और उन्होंने इसको सख्त मना किया होता है कि तुझे कभी भी अब हिट गर्ल नहीं बनना। और मेंडी जो है इस बात का प्रॉमिस कर देती है कि वो कभी भी अब हिट गर्ल नहीं बनेगी। बट बाय डेव को मची हुई चुल, अभी भी फर्स्ट मूवी की तरह सेकंड मूवी के अंदर भी इसको हीरो बनना है, दूसरों की मदद करनी है। लेकिन जहां पर फर्स्ट मूवी में डेव ने जो काम किया था उससे बहुत ज्यादा लोग इंस्पायर हो गए थे और ज्यादा लोग अब हीरो बनने की तरफ आ रहे थे। देखो यार इस मूवी का एक कॉन्सेप्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया कि इन्होंने सुपर हीरो ये नहीं होता कि वो जिसके पास पावर होती है वो सुपर हीरो होता है, जो इवन सफाई कर्मचारी होता है उसको भी इन्होंने सुपर हीरो की कैटेगरी में रखा है। दूसरों की जो हेल्प करता है वो भी सुपर हीरो ही कहलाता है। तो यार जाहिर सी बात है कि ये नहीं कि आपके पास पावर हो, उड़ने वाली पावर हो, देखो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं था, लेकिन सुपर हीरो आप बन सकते हो इवन छोटे छोटे हेल्पफुल काम करके भी। और इस अच्छे मैसेज के साथ साथ इस मूवी में कॉमेडी और कहानी बहुत अच्छी रखी गई है। अब मेंडी और जो डेव है वो अलग हो चुके हैं क्योंकि मेंडी जो है वो उसकी गार्जियन ने उसे मना कर दिया कि कभी हिट गर्ल नहीं बनेगी और उसके साथ कभी नहीं रहेगी, डेव के साथ कभी नहीं रहेगी। तो अब दोनों अलग हो चुके हैं। तो अब डेव शहर में जाकर दूसरे एक जो हीरो का ग्रुप बन चुका है, हीरो के क्लब बन चुके हैं, तो वहां पर जाके हीरो के क्लब में ज्वाइन हो जाता है। इधर क्रिस डी अमीको वो अपनी ही विलन यानी सुपर विलन की एक क्लब बनाने में लगा हुआ ताकि वो शहर में वापस कब्जा कर सके। कि कैसे सेकंड पार्ट के अंदर इमोशनल एंगल ज्यादा डाला गया एज कंपेयर टू इसके फर्स्ट पार्ट के, और इसमें वॉयलेंस यार एज यूजुअल उतना ही रखा गया जितना इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर था। क्रिस डी अमीको अपनी एक सुपर विलन की एक गैंग बना चुका है जो उन लोगों को मार रहे हैं जो अपने आप को सुपर हीरो बताते हैं, जो उनका क्लब बन चुका है, तो चुन चुन के उनको मारना शुरू करते हैं ये लोग। और एंड में सुपर हीरो वर्सेस सुपर विलन की एक जंग आपको देखने को मिलेगी। आई होप सो आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि वो कौन जीतने वाला है। देखो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये रिव्यू चैनल और मैं कोई भी स्पॉइलर देना नहीं चाहता। इवन आप लोगों ने जो गैस किया है छोड़ो 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 उस चीज को। इस बार मूवी में गालियों के साथ साथ न्यूडिटी भी डाली गई है। इस मूवी को मैंने हिंदी में देखा है क्योंकि इससे पहले वाली जो इंग्लिश में देखी थी, इस बार जो मैंने हिंदी में देखा उसकी एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। देखो यार इसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छी लगी मुझे क्योंकि इसमें जो इंग्लिश जो बोली जा रही थी उसके एज इट इज उन्होंने कन्वर्ट किया, ना कि ये कोई इन्होंने बॉलीवुड के वो घिसे पिटे डायलॉग या बॉलीवुड के मूवीज के नाम इन्होंने डाल दिए, ऐसा चीप काम इन्होंने नहीं किया। इवन इसके अंदर आपको अच्छी सी डबिंग सुनने को मिल जाएगी। अब मूवी के जो वीक पॉइंट है जो मुझे लगे वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। देखो यार इस मूवी के अंदर जो नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए थे उनके बारे में हमें कोई स्टोरी नहीं बताई जाती जिससे हम उन कैरेक्टर के साथ जुड़ नहीं पाते। और ये मूवी इतनी ज्यादा तेज है, इतनी ज्यादा फास्ट दिखाई गई है कि कब ये शुरू होती है और कब ये खत्म होती है हमें पता ही नहीं चलता। सबसे वीक पॉइंट मुझे यही लगा इसमें। फिर भी मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10 star। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार वन टाइम वॉच है, आपको हंसी आएगी, कॉमेडी भी इसमें अच्छी और स्टोरी भी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी और एक अच्छा सा मैसेज भी इसमें आपको कन्वे कर दिया जाएगा। तो खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।